हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश टेट का एग्ज़ाम आज हुआ, तो इसकी जो आंसर कीज है दो सेक्शन की, हम इस वीडियो के पार्ट वन में करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके पास दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम इसके मैथ्स और जीके सेक्शन की आंसर की बात करेंगे, और दूसरे पार्ट में साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश वाले सेक्शन की। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स वाले सेक्शन की, जो कि क्वेश्चन आपके स्टार्ट होते हैं 91 नंबर से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यदि x अपॉन y है -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस x/4, तो आपने x का मान इसमें बताना था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर बनना था आपका ऑप्शन बी 27/10 इस जो क्वेश्चन है का आंसर है आपका वो रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये कुछ मिक्स से थोड़े से क्वेश्चन हमने यहाँ फिक्स किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्यूरेट पेपर है वो उस करके हम तक नहीं पहुँच पाया, अदरवाइज जो आपकी चीज़ें वो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके सेम टू सेम ही रखे गए हैं, आपने सिर्फ आंसर चेक करने हैं और क्वेश्चन नंबर देखना है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा गया था पेरीमीटर ऑफ द पेंटेगन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इस 92 का जो आंसर आपका बनना था वो ऑप्शन आपका बी 20 सेंटीमीटर बनना था। और 90C में आपसे पूछा गया था x^m/x^n, इसका मान आपसे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका बनना था ऑप्शन ए 93 का। अब 94 की देखिए कि माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है, यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर बनना है वो बनना है आपका बी 168 किलोमीटर। और 95 है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात आपको बताना है, जिसका आपका सही आंसर बनना है ऑप्शन ए 1:2000। और 96 की अगर आप बात करें, अनिल प्लान टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद वाइट स्क्वायर टाइल ईच साइड ऑफ द टाइल ऑफ 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, हाउ मैनी टाइल विल नीड, हमको कितने टाइल्स की नीड है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर बनना है वो बनना है 396। अब 97 क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे, जो आपको बोला गया जो ये डेसिमल वैल्यू है इसको आपने फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट करना है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। अब देखते हैं 98 क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे तो 72 किताबों का भार 9 किलोग्राम है, तो 40 किताबों का भार कितना होगा। तो आप ये देखिए, इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका 5 किलोग्राम 98। अब 99 की अगर हम बात करें, 98 का जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि -15/4। ये आपको सिंप्लीफाई करना था, जस्ट इसमें कुछ भी डिफिकल्ट चीजें नहीं थी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, आपके पास 100 क्वेश्चन। एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन क्या होगा, आपसे इसमें आयतन पूछा गया है। तो देखिए, जो 100 क्वेश्चन है इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा अप्रोक्स 0.89.8 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में शंकु का आयतन का फॉर्मूला पूछा गया है, सिंपल ही क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, तो इसका होता है 1/3 πr² h। 102 क्वेश्चन में आप देखें, द पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी विच इज द फॉलोइंग आइडेंटिटी डज नॉट होल्ड, इसमें से कौन सी जो आइडेंटिटी है वो इसकी नहीं होती है। तो देखिए, इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन सी। अब आप देखिए, 103 आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, तो जो इसका आंसर बनेगा आपका वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, 105 जो रहेगा आपका, 105 में जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए रहेगा 24। 106 का जो ऑप्शन है, इसी क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी रहेगा। 106 का ध्यान से सुनिए, 106 जो क्वेश्चन नंबर है उसका आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा। 107 क्वेश्चन देखिए, 107 में पाइथागोरस जो थ्योरम है इसमें ट्रिपलेट के बारे में पूछा गया है आपसे, जो कौन सा ट्रिपलेट वो है। तो देखिए, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। 108 की अगर हम बात करें, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो विज्ञान में अच्छे
नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। 109 आपको फैक्टराइज करने के लिए बोला गया है, तो इसका रहेगा आपका बी। 1010 की अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रिकेट मैच के बारे में, आपसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 24/30 ही इसका आंसर आपका बनेगा। 1011 की अगर हम बात करें कि एक लंब वृत्तीय शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यक जो ये सारी चीजें, आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी बनेगा। अब देखिए 112 जो क्वेश्चन है आपका, वो आपका ऑप्शन बी बनेगा इसका। आपने आंसर चेक करते रहने हैं साथ में, जिन जिन का भी आपका एग्जाम आज हुआ है, और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी जरूर चलिएगा जैसे ही आप आंसर चेक कर लेते हैं। दो सेक्शन की अभी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा कथन सत्य है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम होता है। यदि ऑप्शन सी में है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा विषम होगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, तो इसमें आप देखिए कि इसमें जो है आपका बी जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन बी 113 नंबर जो क्वेश्चन है आपका उसका रहेगा ऑप्शन बी। और 114 जो क्वेश्चन है आप देखिए, 114 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। 115 पे देखिए आपको ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी 1/3। 116 क्वेश्चन का आप देखिए, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 116 का जो आपके पास ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर आपका बनेगा। और 117 का देखिए, इसमें आपको दशमलव को प्रतिशत में निकालने के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका जो ऑप्शन है वो सी रहेगा। मीना को 9% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आपका रहेगा 118 का वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। इसमें डी ऑप्शन नहीं आ पाया, पर आपने अपने क्वेश्चन पेपर में, आपने क्वेश्चन पेपर बुकलेट में ऑप्शन डी जो है वो चेक कर लेना है, जी डी जो ऑप्शन है वही यहाँ पे आपका सही जो उत्तर है वो बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 119वां, क्रय विक्रय में सौदे पे कितना लाभ या हानि बताइए जब 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। तो बिल्कुल सही इसमें कहा गया है कि भाई 119वां क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपका बनेगा डी, यानी कि 40% जो है वो इसमें हानि होगी। और 120 ये मैथ्स का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इसमें आपको परिमाप निकालना था। अब ये जीके सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, 121वां क्वेश्चन, तो 121वें क्वेश्चन का बनेगा 1973 में। और 122 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, इसका बनेगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के ऊपर। और 123 क्वेश्चन है, इन विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन गरीबी हटाओ, ये जो स्लोगन दिया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये दिया गया था 1971 AD में। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए, ये कहे अक्टूबर 1951 से फरवरी 152 के बीच में, ये ऑप्शन आपका बी 124वें का आंसर बनेगा। 125वें की अगर आप बात कर रहे हो, तो 125वें में पूछा भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में किया गया है, जनवरी 1950 में यह बनाया गया। अब 126 देखिए, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड शैल लिव इट हु सेड, ये बताया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। 126वें का जो आंसर है वो आपका डी बनेगा। और 127वें में बताया गया है जब भारतीय संविधान बना तो उस समय मतदाता बनने की आयु सीमा क्या थी, 21 वर्ष। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, तो ये देखिए ये आपका होता है 128वें का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा परिक्रमा के कारण। ठीक है, आपसे पूछा गया कि जो टाइकोन है ये टॉयकन है, ये कौन, ये क्या है, ये बर्ड है, ये एनिमल है या वेजिटेबल है, ये एक बर्ड है। 129वें का ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो बन। नेक्स्ट देखिए,
वुड डिस्पैच, वुड के वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन बी। और 131वां अगर आप देखेंगे तो व्हाट व्हिच स्टेट डिड इंडिया डज नॉट होल्ड, आप देखिए कि जो ट्रॉफी ऑफ कैंसर है वो किस जगह से नहीं जाती है आपकी, झारखंड से जाती है, गुजरात से भी जाती है, मध्य प्रदेश से भी जाती है, पर उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो इसका आपका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर बनेगा। विच निम्न में से कौन सी गैस जो सूर्य सूर्य के हानिकारक गैस से बचाती है, तो ये आपकी हो जाएगी ओजोन। विच ऑफ द इनर मोस्ट गैस के बारे में यहाँ पूछा गया है, कौन सी गैस के बारे में यहाँ पे पूछा गया, तो नहीं ओजोन तो हमारी लेयर है, जो गैस हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी आपकी बताई गई है, ये आपका 133वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे बी कोर। नेक्स्ट पे चलिए, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, 134वां क्वेश्चन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ये साइड सर्व में कौन सा ग्रह है सूर्य के सर्वाधिक निकट है, सूर्य के सर्वाधिक निकट आपसे पूछा गया है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सूर्य के नजदीक पूछा गया है। 135वां क्वेश्चन ये है यहाँ पे ऑप्शन सी मर्क्यूरी। छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी, ये गई थी अनुच्छेद आपका, ये आर्टिकल था आपका 17 में। लोहे की वस्तुओं में जंग लगने में कैसे रोका जा सकता है, इसमें ये चीज बताई गई है, तो 137 का जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा गैल्वनाइजेशन के द्वारा। और 138 देखिए जंग का रासायनिक, ये आपसे फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका बनेगा 138 का आंसर आपका बनेगा ये। 139 का मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, 139 में जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कांग्रेस हु स्ट्रगल वर्ड 140वां क्वेश्चन आप देखिए, 140वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन सी। 141वें देख, कीटों को पकड़ करने के आपसे किसी किस पौधे के बारे में, ये कौन सा पौधा है जो कीड़ों को पकड़ करके जो है अपना भोजन जो है वो बना लेता है, वो आपका रहेगा सी। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप देखिए आप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप रहेगा आपका। उसके बाद देखिए विच कंट्री डज द रिवर के बारे में, यंगटेक रिवर ये चाइना में रहती है, चाइना में रहती है आपकी। उसके बाद वो चिल्का लेक लोकेटेड इन विच स्टेट, 146 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसका उड़ीसा रहेगा। 144 की अगर हम बात करें तो इसका जो रहेगा वो रहेगा 2006 में, इंदिरा बिंदु भारत किस भाग में स्थित है, इंदिरा ठीक है ओके, ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में है, तो आपका ये होगा 145 इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी दक्षिण भाग। नेक्स्ट पार्ट पे चलिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बैरन द्वीप में रहेगा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर आपका बनेगा। नर्मदा नदी के संरक्षण के मध्य प्रदेश द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है, 148 जो क्वेश्चन है आपका इसका, नदी जल संरक्षण योजना। और हु इज ऑथर ऑफ द बुक के बारे में, फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ये आपकी लिखी थी ऑप्शन बी, 149 का जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। और 150 का ऑप्शन आपका मानवाधिकारों के लिए सार्वभौमिक, ये आपका ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपके दो सेक्शन की जो आंसर की थी हमने सिंपली वो डिस्कस करी आपसे, तो मैं उम्मीद कर रहा होगा कि आपको जो
डाउट्स है या फिर आपने जो क्वेश्चन थे देखे होंगे वो चेक कर लिए होंगे, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको करते हैं।